दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको C++ के बारे में कुछ बताऊंगा। तो ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है C++ का। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को खूब सपोर्ट करना है ताकि मैं आपको C++ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए बताते हैं C++ होता क्या है। C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट में ऑपरेट करने में मदद करती है और यह बजरानी स्ट्रॉसपास बेल लैब्स में ईजाद की गई और यह लैंग्वेज 1980 में डिज़ाइन की गई। और जब यह डिज़ाइन की गई सिर्फ इसकी सी लैंग्वेज थी क्योंकि यह लो लेवल लैंग्वेज थी। तो इस वजह से इन्होंने फिर इसमें से ही कुछ कोडिंग वगैरह करके C++ लैंग्वेज सामने करके ले आए। तो लैंग्वेज सामने करके ले आए। तो चलिए, पहले हम तो करते थे टर्बो C++ में कोडिंग वगैरह करते थे, तो इसमें हमारे लिए आसानी हो चुकी है। तो डेव C++ अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से आप डेव C++ इंस्टॉल करें। तो चलिए, आज मैं आपको डेव C++ में कुछ प्रोग्राम रन करके बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे फाइल पे करके न्यू सोर्स करना है। आप इसको शॉर्टकट कंट्रोल से भी ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हैश हैश इंक्लूड का मतलब क्या है। हैश एक हेडर फाइल है और इंक्लूड मतलब इसकी लाइब्रेरी में C++ की लाइब्रेरी में कौन कौन सी फाइलें ऐड है। और जो एक्सटेंशन हमने हैश डाला है तो और इसको हॉल डिक्लेरेशन अदर फाइल भी कहा जाता है। तो इसमें हम कुछ प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसके हम मतलब यूजिंग नेम स्पेस STD। तो हम इसकी लाइब्रेरी में यूजिंग नेम स्पेस STD प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें हम int main लगाते हैं। इनपुट मतलब main करते हैं। int का मतलब है इनपुट। हम main इसके main मतलब लाइब्रेरी में हम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई कुछ भी लिख देते हैं। मसलन हम अब ये ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद अब हम सी आउट लिखेंगे। सी आउट में हम कुछ भी प्रोग्राम लिख के उसको क्लोज और सेमीकोलन लगाएंगे तो तब वो प्रोग्राम रन होगा। तो चलिए, हम इसमें कुछ भी लिख लेते हैं। हम अल्लाह लिख लेते हैं। अल्लाह लिख लिया तो इसमें हम लोगों ने अल्लाह लिख लिया तो हमने इधर कामा लगाने में भूल गए। तो अब हम इसमें अल्लाह लिखेंगे। ये वाला कामा अल्लाह लिख के अब हम इसको सेमीकॉलन लगा के क्लोज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। कुछ भी नाम दे देते हैं, जुनेद। इसको सेव कर दिया तो देखते हैं क्या एरर आते हैं, क्या फाउंड होते हैं। देखिए, जीरो एरर, वार्निंग जीरो, आउटपुट फाइल मतलब ये रन हो चुकी है। ये हमारे 3.64 सेकंड में रन हो चुका है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखें, यहाँ पे अल्लाह लिख के आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल राशिद टेक्नोलॉजी 2 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में इसकी फुल ट्यूटोरियल की वीडियो